भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्रीनगर के 15 करोड़ बादामी बाग में ड्यूटी पर तैनात आर्मी जवान अनुज कुमार का पार्थिव शरीर आज अहले सुबह उनके पैतृक निवास स्थान बांका के शंभुगंज प्रखंड के बंसीपुर पहुंचा, जहां अनुज के अंतिम दर्शन को लेकर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग बड़ी संख्या में जवान को नम आंखों से विदा करने और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। अंतिम दर्शन करने वालों में सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, तारापुर विधायक राजीव सिंह कुशवाहा, कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, अमलपुर से लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर सहित बड़ी संख्या में आसपास के कई गांवों के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर मृणाल शेखर ने जहां सरकार से दुश्मनों से चुन चुनकर बदला लेने की बात कही, वहीं स्थानीय लोगों में सेना के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश भी देखा गया, क्योंकि जवान की अंतिम विदाई में जो सेना के जवान की सुविधा मिलती है वो कोई भी सुविधा अनुज को प्राप्त नहीं हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों और नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। अनुज का रहस्यमयी ढंग से मौत हो गया है। अगर क्या रहस्यमयी ढंग से मौत हुआ है, किस कारण से हुआ है, अगर वहाँ पोस्टमार्टम हुआ तो घर से कोई बंदा क्यों नहीं बुलाया गया। पोस्टमार्टम हुआ था तो घर से मम्मी जाते, पापा जाता, बड़ा भाई जाता, एनी वे कोई जाता। इसके एब्सेंटी में इनका जो पोस्टमार्टम हुआ वो क्यों हुआ, पहली। दूसरी, अगर इसका जो मोबाइल है, मोबाइल हम लोग को क्यों नहीं मिला, मोबाइल जो इसका था उसमें क्या रिकॉर्ड किया था, इसे नहीं किया था, वो हमारे को इसका न्याय चाहिए। इंडियन आर्मी के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, ना ये फील्ड एरिया में रहते हुए इसको गार्ड ऑफ ऑनर का दर्जा नहीं दिया गया। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ऑपरेशनल एरिया में है, चाहे जिस तरह का केस है, ये कौन सा नियम कानून है, इस हिसाब से गार्ड ऑफ ऑनर का इसको क्यों नहीं प्रावधान हुआ। विरोध है भारतीय सेना का अधिकारी से कि आज जो आज नहीं, मुलायम सिंह जब हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री था उस समय आदेश पास किया है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मिलिट्री हो कि पैरा मिलिट्री हो, उसका जो है किसी तरह से क्षति होता है, उसका घर तक उसका डेड बॉडी बाय इज्जत पहुंचेगा और उसको जो है श्रद्धांजलि दिया जाएगा लास्ट में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में। ऐसा फिलहाल हुआ है, उधाड़ी में ऐसा कांड हुआ है, उसको बाय इज्जत यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके अंत्येष्टि किया गया है। तो आज हमारे समाज में इस तरह का हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं है, ये भारतीय जो है फोर्स के साथ में हमारा ये अनुरोध है और हमारा शिकायत है कि इसका इंक्वायरी किया जाए। हम लोग आज इस दुख की घड़ी में गांव आए हैं ताकि हम लोग वीर अनुज के शव पे श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और जितना भी हो सके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार का साथ दे सके, गांव के समाज के लोगों के साथ रह सके। इतने ये तो वीरों की धरती है और गर्व होता है कि इस गांव के अधिकांश बच्चे आर्मी में भारत के लिए अनेकों जगह पे पोस्टिंग पर लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुख होता है जब नौजवान बच्चे शहीद होकर घर लौटते हैं। जी, हम लोग को मालूम हुआ कि बंसीपुर के नौजवान साथी देश के लिए शहीद हुआ है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे और उनको समाज की तरफ से और तारापुर विधानसभा की तरफ से हम श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिवार के साथ और यहाँ के लोगों के साथ हैं। करोड़ों देशवासियों की रक्षा में ऐसे वीरों का जो सर्वोच्च बलिदान होता है, जिनकी वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है, देश के सीमा पर सरहद पर ये निगरानी करते हैं दुश्मनों से देश की, हमारी और भारत माता की रक्षा का व्रत लेकर ये कार्य करते हैं, आज वो शहीद हुए हैं। रात में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, हजारों लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नम आँखों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं भी उस क्षण का साक्षी बना और इस यात्रा में शामिल मैं भी हूँ और उनको सब लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब तक
ऐसे वीर हैं तब तक पूरा देश सुरक्षित है। मैं अपनी ओर से श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं और सरकार से भी आग्रह है कि ऐसे वीरों का बलिदान व्यर्थ ना जाए और जो दुश्मन है उनको चुन चुन कर उनका खात्मा होना चाहिए। मेरे जो ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करता हो, जो हफीम का खेती करता हो, वो हमारे सांसद, हमारे सांसद चुनाव जिता दिया इलाके के लोगों ने, लेकिन भेद किसी को नहीं, इतने दर्शन नहीं देते हो भाई। जदयू विधायक गोपाल मंडल हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, पर इस बार जो उनका बयान आया है वो उनकी पार्टी जदयू और मुख्यमंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने जदयू के ही भागलपुर से सांसद अजय मंडल पर सीधा हमला कर दिया है। गोपाल मंडल का कहना है कि अजय मंडल ट्रैक्टर पर दारू बेचते हैं और अफीम की खेती करते हैं। जब कभी मुख्यमंत्री क्षेत्र में आते हैं तभी वो दिखते हैं, नहीं तो हमेशा वो गायब रहते हैं। और क्या कुछ कहा जदयू विधायक गोपाल मंडल ने, आइए आपको सुनाते हैं। करते करते आप लोगों का आशीर्वाद से मैं जगह पर आया हूँ, इसलिए मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। ये क्रांतिकारी नेता इतना लोगों ने भाषण दिया, सिलेटर मेरे को नहीं भूलिएगा और यही तक मत रखिएगा, जगह जगह जाइए चर्चा के लिए। रेल इंजन सविता देवी, रेल इंजन सविता देवी बोल दीजिए, सगे संबंधी से दिलवाइए, जगह जगह जाइए अपने संसाधन से प्रचार के लिए, इनको भारी मतों से चुनाव जिताइए अध्यक्ष बनने को। और वहां खेल होता अभी देख लीजिए, बीपीएल मंडल को पैसा भेज रहा है भागलपुर से, किसी ने चुनाव नहीं, ये बिनावा में छोटा ऐसा बस्ती दो तीन कपड़ दूर 50,000 दे दिया, 8 क्विंटल छड़ दे दिया, 50 बोरा ये दे दिया, सीमेंट दे दिया, ये सब चीज पहले दे दिया, पैसा इसी को दम है देने का, हमको दम नहीं है। तो भागलपुर से रुपया भेजा जा रहा है, रुपये का खेल हो रहा है, इसलिए रुपया लीजिए गुटवा सविता दिन को दीजिए। वो भेज रहा है बाहरी पैसा ना, बाहरी पैसा रख लीजिए, मांग कीजिए, कहिए चलिए स्थान में दीजिए, लेकिन गुटवा सविता दिन को दीजिए। और यहां से जाने के बाद जब जीत के जाएगी, करोड़ 2 करोड़ का खेल होता है, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहते हैं भैया जाकर पैसवा ले, गुटवा हमारा दे दे, वोट हमको देता पैसा उसका लेता, वो नहीं खेल होगा। मैं चंडी पूर्णा स्थान में बोलता हूं, आप चुनाव जिता के भेजिए, सविता देवी अध्यक्ष बन गई, इसमें दो मुस्लिम। अब मैं वाणी पर विराम देता हूं, दो समय मैं गदगद हो गया इस भीड़ को देख के, लगता था कोई आ जाए कि नहीं आएगा। सबों से मेरा प्रार्थना है, जाति गैर जाति, और ये बात कहते हैं यादव को ठंडू क्यों नहीं देगा भाई, यादव कंडे थे यादव वोट क्यों नहीं देगा, ये दोनों विधायक का चुनाव नहीं है, माई सबन कर चलेगा नहीं चलेगा, उनका काम नहीं करते, वो रोड पर नहीं बोलता, जब हम लड़ेंगे हमको मत दीजिएगा, सविता जी को दीजिए, हम एक बार फेको को बुलाए, मैं प्रमुख बनाना है, हमने बनाना है, बनाना है, आइए बैठक में, आप भी वोटवा दीजिए, हमारा भी वोट आपको जाएगा,